हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेखर छोरी डेली ब्लॉग वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग आए हुए हैं खेत में और खेत में ये दवाई डालेंगे जिसका नाम है मेकअप। किसी को मेकअप करना हो तो इस थैली से कर सकते हैं। तो ये दवाई हम लोग बाजरे में डालने वाले हैं क्योंकि बाजरा बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमको ये डालनी पड़ेगी। और ये थैली है, ऐसी दो थैलियाँ थी तो हम लोगों ने आधी तो इसमें डाल दी है, आधी अभी बाकी है। ऐसी थैली हमने कल एक डाल दी थी ये रही, और आज अभी हम डालेंगे तो इसको मिलाते हैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो अभी इसमें डाल रहे हैं हम लोग मिट्टी, ताकि मिट्टी में अच्छी तरीके से मिले। और तो अभी इस थैली को काट रहे हैं हथियार से, दांतली के हथियार से, और अभी इस मिट्टी में मिलाएंगे। मिट्टी के बहुत सारे उपयोग होते हैं, अपन लोग करते नहीं हैं। तो अभी मिट्टी में मिला के डालेंगे। ये देखिए काला काला कालिया तेल आ गया, पता नहीं क्या बहुत गंदी वाली छिड़ती है, बहुत गंदी गंदी बदबू आती है, अच्छी इसे चक्कर और उल्टियाँ भी आने लगती हैं। हम अभी देखिए इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इधर कुंडे के सारी चिपक गई तो इसको उतार लेंगे, वरना और काम में लेंगे तो ये पशु वसूर कुछ खा जाएंगे। तो अभी दोनों हाथ है ना जो गंदे करने पड़ते हैं, पता नहीं किसान को क्या क्या करना पड़ता है, गंदे गंदे बदबू सहन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे बदबू आती है, इसे चक्कर भी आने लगते हैं। मुँह के बांधा नहीं, हाथ के दस्ताने नहीं लाए, भूल जाते हैं घर से लाने के। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिलाएंगे ताकि हमारा जो बाजरा है ना, जो बीच बीच में से ऐसे पीला पीला हो रखा है, वो सही हो जाएगा। तो अभी आ रही है गंदे गंदे बदबू, इसका मेकअप करना पड़ेगा मिट्टी का अभी बुरा। भी देखिए हम लोगों ने अच्छी तरीके से मिला ली, मैंने मिलाई मैंने। और अभी इसमें ये दूसरी दवाई डालेंगे और फिर इसमें ये यूरिया पड़ी है वो डालेंगे, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ ला रखा है। तो अभी बहुत ही खतरनाक फिरने वाली दवाई ये है कि हम लोग डालेंगे इसमें यूरिया। और अभी हम तीनों को कर लेंगे मिक्स अच्छी तरीके से, अब पूरी अच्छी तरीके से मिलाएंगे, कहीं ऐसे रह ना जाए। तो इसको ऐसे किया और ऐसे मिलाएंगे। तो आप ऐसे बने रहे ब्लॉग के साथ एंड तक, अभी हम लोग छिड़केंगे तो आपको बताएंगे कैसे छिड़कते हैं हम लोग। इतने ही मैंने काट डाली है, आपको बैक कैमरे से दिखा, देखिए मैंने इतनी सारी तो काट डाली है। और अभी इतना आलू और बाकी रह गए हैं, मैं अभी लगी हूँ। दोपहर के 12 बज चुके हैं फिलहाल, नींद आ जाएगी तो पता नहीं। तो ये आलू की चिप्स ऐसी निकली है हमारी कुछ, तो इस पर कुछ ऐसे पसीना सा आ रखा है, लेकिन पंखा तो चला रखा है, जल्दी से सूख जाए तो पता अच्छी बात। तीन कट्टे फुल हो गए अभी फिलहाल, बहुत ज़्यादा थक गए अकेले अकेले की ना, तो इसलिए हम मैं तो थक गई हुई। ये तीन कट्टे चिप्स के निकले तो अभी घर पे बना के आप लोग भी खा सकते हैं, ऐसे चिप्स बना के आइडिया अपना के मेरे ब्लॉग के साथ। तो अभी हम लोग, शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, और अभी हम लोग आए खेत में और ये पाउटा लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। गंगा वो गंगानगर मिल मिल का है, शुगर मिल का। तो अभी हम लोग यहाँ पर खेत में पियेंगे, गिलास लेके आएंगे, अभी ठंडा ठंडा घाल के पियेंगे, अभी फिलहाल गर्म है, लेकिन साथ में ये है। तो इससे हम लोग इन बेलड़ियों में ये पाउटा डालेंगे ताकि इससे है ना बेल के वो रोग होता है ना वो हट जाता है पाउटा डालने से, और अच्छे से लगते हैं इनके बहुत बहुत तरबूजे ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए हम लोग ये फुहारा लेके आए हैं छोटे वाला, तो इससे इनमें डालेंगे। तो आप इसे ये पाया भी नहीं खुल रहा है, इसका ढक्कन है जो चारों तरफ घूम रहा है ऐसे ऐसे दबी घूम। तो हम काफ़ी हथियार लाने के बाद हमसे ये पावटा तो खुल चुका है, किसी को रोज़ पीना आता तो वो तो जल्दी जल्दी में खो लेता। तो हम इसमें एक ढक्कन जितना डालेंगे और हमारे इन खरबूजों की बेल में डालेंगे ताकि इनके अच्छे अच्छे खरबूजे लगे, कोई बीमारी या रोग ना लगे। तो आप भी अपने घर पे ऐसे आइडिया अपना सकते हैं। तो अभी इसमें डालिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अभी इनमें डालेंगे
ये देखो ऐसे कुछ 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 कुछ, तो इससे इनके फूल ज़्यादा लगेंगे और इन पर फल भी ज़्यादा दिखेंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसका छिड़काव कर डालते हैं। और हमारे वैसे भी बहुत सारे लगाए हैं बिना किसी दवाई के डाले हुए, ऐसे ही लगाए हैं, तो हम लोग देसी नुस्खा अपना रहे हैं। लोग तो इसको